नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही हर एक राजनीतिक दल के नेता बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित करने में लगे। और इसी क्रम में बिहार के भागलपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गए, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए सुल्तानगंज में उन्होंने वहां के जनता से उन्हें वोट देने की अपील भी की। और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा में, आप देखिए इस वीडियो को। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हैं कुछ इस तरह से ये बोल। अब देखना तो ये है कि तेजस्वी यादव जो ये बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्या ये काम करता आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, 3 चरणों में मतदान है, 28 को पहला है, 3-7 ये 3 दिन मतदान होगा और 10 को रिजल्ट आने वाला है। बिहार में पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो अब देखना ये है कि आने वाला वक्त आखिर बिहार में सरकार किसकी बनाता है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बिहार विधानसभा के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।